today I am going to share something about motivation and why it is necessary. वो क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में. ओके, टू मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ एग्जाम्पल के साथ जाते जाते. तो मंजिल है, मंजिल है ना मंजिल का पता, मंजिल है ना मंजिल का पता, जिंदगी एक लंबा रास्ता ही रास्ता, रास्ता ही रास्ता. यही कंडीशन भी है हमारे जो यंग जनरेशन है आज की दुनिया में, जिन्होंने जिनको भगवान ने इतनी बेहतरीन जिंदगी दी तो है लेकिन पता ही नहीं कि क्या करना है, क्योंकि जिंदगी जी ही रहे. बट ऐसा कोई नहीं सोच रहा कि अगर इतना सुंदर जीवन दिया है तो हम कुछ करके जाएंगे. किसी को कुछ पता ही नहीं, बिकॉज वाई की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिना संघर्ष के आपको यहाँ पे कोई भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी मिलने वाला नहीं. वो कहते हैं कि जब तक हथौड़े की घाव आप पे नहीं पड़ेंगे ना, तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होगा. इसीलिए सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस. तो फॉर दैट वी राइज राइज अवे एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड. जब तक आप कुछ करोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं. ये सेंटेंस स्वामी विवेकानंद ने रिटर्न किया है. उन्हीं की तरह हमें सोच रखनी है. बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे लाइक दैट टीचर, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया है मोटिवेशन पे डिपेंड. हमें जरूरी क्यों है लाइफ में, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सारा हमारे पास है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा टाइम है, बट हम कुछ करते ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर का इंसान सोया हुआ है अभी तक. उसे हमें जगाना है, वही हमारा सबसे बेस्ट मोटिवेशन है, वही हमारे सबसे बेस्ट यहाँ पे जरूरत है, रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है. और वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ. जैसे हमारे बॉडी को क्लीन करने के लिए नहाने की जरूरत होती है ना रोज बाथिंग करने की, वैसे हमारे ब्रेन को शार्प करने के लिए, हमारे नॉलेज को शार्प करने के लिए मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए. और वो हमें कहां से मिलेगा, उसके दो एग्जाम्पल मैं आपके पास लेता हूँ. बहुत सारे लेते हैं बट दो ही आपके पास बोलता हूँ. एक तो हमारे पास 24 लाइव हमारे पास मोटिवेशन है, अगर आप सबको पता है लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं उस पे, जो कि हमारे पेरेंट्स. जिंदगी में जिस दिन हमने उनकी बात मानना शुरू की, जिस दिन हमने उनको इज्जत देना शुरू कर दिया, उस दिन कामयाब लोगों की लिस्ट में आपका नाम लिया जाएगा. सेकेंड थिंग, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ जो कि हमारे बीच में ही है. रिस्पेक्टेड नैना मैम, जिन्होंने 1991 से यहाँ पे सर्विस किए और आज 27 साल जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है, जीरो से आज वो हीरो बन गया हमारे लिए. बट कोई ध्यान ही नहीं देता, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट एंड आइडियल पर्सन है, बट हम सोचते नहीं. दुनिया में आंसर ढूंढने के लिए मत जाओ, हमारे पास हमारे घर में बैठे. बस किसी की लाइफ में उन्होंने कुछ योगदान दिया या नहीं दिया वो मुझे पता नहीं, बट मेरी लाइफ में बहुत सारा मैंने सक्सेस अचीव किया, उसमें उनका बहुत ज्यादा आता है. तो मेरी इच्छा है कि लास्ट वन थिंग उनके लिए, ऑल ऑफ यू प्लीज ड्रिंक क्लास. और लास्ट वन थिंग बस बोल रहे फॉर ऑल, सबके लिए चार लाइन बोलते जाता हूँ, बहुत सारा सोचा था. ओके, तो प्रेयर है, निकलता हुआ सूरज आपको रोशनी दे, खिलता हुआ फूल आपको खुशबू दे. अब तो कुछ कहने के काबिल नहीं, बस दुआ करते कि भगवान आपको जिंदगी खुशियां ही खुशियां दे, खुशियां ही खुशियां दे. थैंक्स फॉर योर ग्रेट पेशेंस एंड थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. थैंक यू.